खंडवा जिले के पुनासा मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए 15 माह की भ्रष्ट सरकार के मुखिया कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे, अब चुनाव आया तो मैदान छोड़कर चले गए। इसी के साथ और भी कई गंभीर आरोप सांसद शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार मेव अपने साथियों के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस प्रकार ओंकारेश्वर के कांग्रेस के कई पदाधिकारी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि पूनम शुक्ला, पंकज जोशी, विजय दीक्षित सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर भाजपा में सदस्यता ग्रहण की। भाजपा पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है, आज मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोल दी है, और उसका आप देख रहे होंगे कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी ने कमलनाथ से कहा कि माफी मांगो, उसका गुरूर और घमंड इतना है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक दलित महिला के अपमान पर, और उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफी मांगूं। आज तो हदजब हो गई जब केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहां भेज दिया चुनाव प्रचार के लिए। मैंने कहा कि चाहे छत्तीसगढ़ को भेजो, चाहे राजस्थान को भेजो, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का नेतृत्व क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुका है। मध्य प्रदेश की जनता इस चुनाव में आपको बहुत ताकत के साथ दिखाएगी, आपके गुरूर और घमंड को चूर करेगी। नारायण पटेल करो, और जो नारायण पटेल जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे। बहुत बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का, जिन्होंने पुनः मेरी गलतियों को समाप्त करते हुए और मुझे अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भविष्य में भी रहूंगा, क्योंकि दिल से, मन से, कर्म से मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। कहता तो हम जीतेंगे ही, पर बाकी की भी 27 सीटें हम जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी बहुत 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 बहुमत के साथ आने वाली। खंडवा से संवाददाता राम पवार नायक की रिपोर्ट।